महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आती हुई, महाराष्ट्र सीआईडी क्राइम ब्रांच ने इस साल अप्रैल के महीने में पालघर में हुई दो साधुओं की लिंचिंग के मामले में 19 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक की उम्र 70 साल है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में अभी तक कुल 248 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से 105 की जमानत हो चुकी है। शुरुआत में इस मामले की जांच पालघर पुलिस ने की, जिसके बाद ये मामला सीआईडी के पास चला गया। सीआईडी पहले ही इस मामले में चार्जशीट दायर कर चुकी है। और इस पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी मयूरेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े। जी मयूरेश, इस खबर से जुड़ी और जानकारी दीजिए। जहाँ पर चार्जशीट फाइल हो चुकी है, वहीं पे महाराष्ट्र सीआईडी जो है वो फिर भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। खबर यही आ रही है कि अब 19 नए लोगों को जो है वो हिरासत में लिया गया है, उन्हें अरेस्ट किया गया है इस पूरे केस में, मॉब लिंचिंग केस में। जहाँ पे अगर हम कहें तो कुछ माइनर्स भी है, यानी अल्पवयस्क भी है, और सबसे एजेड जो है वो 70 साल के एक व्यक्ति है जिनको इस केस में अरेस्ट किया गया है। अगर हम देखें तो जब से महाविकास आघाड़ी सरकार आई है, तब से तब ये केस हुआ था, और तब से लेके अभी तक जो है वो तकरीबन हम कहें 70 से भी ज्यादा लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है। केस फिलहाल कोर्ट में इसका हियरिंग शुरू है, लेकिन और महाराष्ट्र सीआईडी को ये केस सौंपा गया था महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने, जब लोकल पालघर पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन ठीक से कर नहीं पाई थी। कई सारे लोगों ने इसके ऊपर जब सवालिया निशान उठाए थे, तब ये केस जो है वो सीआईडी को सौंपा गया, और सीआईडी अभी भी उसकी तफ्तीश या हम कहें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिसमें अभी हाल फिलहाल में हम कहें तो 19 नए फ्रेश अरेस्ट जो है वो हुए हैं। जी बिल्कुल मयूरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।